तो हाय गाइस, आज की वीडियो का बनाने का जो पॉइंट है ना वो यही है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग कह रहे थे यार एसर नाइट्रो 5 अभी 2021 में जो आया है राइजन 5 56 वाला वो लूं या लीजन 5 या लेने वो आइडिया पैड गेमिंग 3 या एसर स्टफ A17 जो राइजन 5 4600H के साथ आते हैं वो लूं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत सारे लोगों के मन में आ भी सकता है, इसलिए मैंने ना डायरेक्ट एक ही वीडियो बना दी। एक ही वीडियो में सबको कंपेयर कर लेंगे बजाय हर एक लैपटॉप को बार बार कंपेयर करना, लेकिन करेंगे जरूर एक बारी, है ना, व्यूज चाहिए थोड़ा सा। तो इसलिए आज की वीडियो में हम फटाफट से कंपेयर करेंगे कि आपको Ryzen 5 5600S लेना चाहिए या 4600S लेना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ट्विटर पे नहीं फॉलो करा ट्विटर पे फॉलो कर लो, इस पे फॉलो कर लो। तो मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे करते हैं वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, सिर्फ सब्सक्राइब, बस कुछ नहीं चाहिए और सब्सक्राइब बस कर दो। तो आज की वीडियो में ना मेरे पास कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आप लोगों को भी पता है कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ रीजंस देने जरूरी है ना। अब ऐसा नहीं है ना Ryzen 5 5600H बढ़िया है तो बस बढ़िया है, क्यों बढ़िया है बस बढ़िया है ही, जब वो बढ़िया ऐसे नहीं करना ना, हम रीजंस पे बिलीव करते हैं तो ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले ना हम एडवांटेजेस जान लेते हैं कि Ryzen 5 5600H अगर आप लोगे तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो एक नया प्रोसेसर है, तो नया प्रोसेसर है तो गेम्स भी जो है उसी हिसाब से बनेगी, उसी प्रोसेसर के हिसाब से बनेगी। तो ये वाला जो प्रोसेसर है वो एक साल ज्यादा चलेगा Ryzen 5 4600H से। तो Ryzen 5 5600H के अंदर आपको 38.5% ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलेगी अगर हम कंपेयर करते हैं Ryzen 5 4600H से। जो आपको FPS मिलेंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, 5-6 FPS 7-8 FPS का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा अगर आप सेम ग्राफिक कार्ड को चुनोगे। अगर GTX 1650 है दोनों के अंदर तो ऑब्वियसली वो Ryzen 5 5600H के साथ बॉटलनेक मारेगा और आपको ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देगा। बाकी इसकी 45 वॉट की TDP है तो आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो ज्यादा बढ़िया मिल जाएगा। और जो Ryzen 5 4600H की TDP थी वो 54 वॉट की थी, वो पावर कम खींचेगा लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा देगा, इसलिए आपकी जो बैटरी है वो भी कम लगेगी और जो परफॉर्मेंस है वो भी ज्यादा मिलेगी। तो ये तो आपको पहले ही पता था कि Ryzen 5 5600H ज्यादा बढ़िया है, लेकिन क्यों बढ़िया है वो भी आप लोगों को पता चल गया। तो अगर आपसे अब कोई पूछता है कि Ryzen 5 5600H क्यों बढ़िया है 4600H से, तो अब आप लोग आंसर दे सकते हो, मैंने आप लोगों को रीजंस दे दिए हैं क्यों बढ़िया है। बाकी अगर आप एक नया लैपटॉप परचेज कर रहे हो तो मैं जरूर कहूंगा, आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप वेट करो इस प्रोसेसर के लिए, लेकिन अगर आपके पास पहले से ही Ryzen 5 4600H वाला लैपटॉप है तो आपको बिल्कुल अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। गेमिंग और एडिटिंग परफॉर्मेंस जो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही देगा, क्योंकि दोनों में 6 कोर और 12 थ्रेड्स वाला CPU है और क्लॉक स्पीड में भी जो आपको ज्यादा फर्क नहीं मिलता, तो इसलिए पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं अपग्रेड करने में, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगी आपको दोनों ही लैपटॉप में। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत छोटी वीडियो बनी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझ आ गया ये ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे पास 200 वीडियोस ऐसी और भी हैं जो चैनल पे पहले ही अपलोडेड हैं और भी वीडियोस जो हैं वो आने वाली हैं, तो आपको पता ही, आप समझदार हो आपको क्या करना है। बाकी यार मैं मतलब आपसे वीडियो में एक नेटवर्क के साथ में, तब तक के लिए बाय।